हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं INT हिंदी टेक चैनल में। यदि आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट खोल रखे हैं या फिर करेंट अकाउंट खोल रखे हैं तो आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकती हैं। अगर वॉलेट अकाउंट भी है तो वहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को क्रिएट करना है और आगे इस्तेमाल करना है, जैसे मनी ट्रांसफ़र वगैरह सारा सर्विसेज। सबसे पहले आप सर्च करिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो सबसे ऊपर इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है paytmbank.com, ये आपको नज़र आ जाएंगे। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे कि इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से है। अब आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में आप देखेंगे 3 डॉट की ऑप्शन दिख रहा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेट बैंकिंग लॉगिन की ऑप्शन मिल रहा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना है। वह मोबाइल नंबर आप दर्ज करें जो आप अगर करेंट अकाउंट खुला रखे हैं उसमें दिए हैं, या सेविंग्स अकाउंट खुला रखे हैं उसमें दिए हैं, या फिर पेटीएम वॉलेट खुला रखे हैं उसमें दिए हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को एंटर करके सेंड OTP बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वह OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इस तरह से आप OTP को दर्ज करेंगे और उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं, आपको याद होगा कि जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं उस समय आपको 4 डिजिट का पासकोड सेट करना होता है। वह पासकोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अगर याद नहीं है तो आप इसे फॉरगेट भी कर सकते हैं, यानी दूसरा बना सकते हैं। मुझे याद है तो यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन सक्सेस हो चुका है। अब मेरे सामने 3 अकाउंट नज़र आ रहा, जो कि एक सेविंग्स अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट और तीसरा वॉलेट अकाउंट। मैं आपको बता दूं कि आप सेविंग्स अकाउंट में भी एक्सेस कर सकते हैं, करेंट अकाउंट में भी और वॉलेट अकाउंट में भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं सेविंग्स अकाउंट पर अगर क्लिक करूँ तो प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होता है। अब आप देखेंगे जो भी सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस है और फिक्स डिपॉजिट में जो भी बैलेंस है वो सारा यहां पर बता दिया गया, और टोटल बैलेंस जो भी है वो भी बता दिया गया। यहां पर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर पासवर्ड की ऑप्शन, बेनिफिशियरी यानी कि आप पैसे सेंड करने से पहले बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं, वहां पर बेनिफिशियरी बताया जाएगा। उसके बाद नॉमिनी डिटेल और फिक्स डिपॉजिट की ऑप्शन दिखाई देती है। यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड दिखाया जाएगा और लॉगआउट की ऑप्शन आपको मिल जाता है। पैसे सेंड करने के लिए न्यू मनी ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक करना है। होम पेज पर आप देखेंगे जो भी आप बेनिफिशियरी को सेव करके रखती हैं यहाँ पर दिख जाता है। जिसको भी पैसे ट्रांसफ़र करना है सेलेक्ट करें। अगर बेनिफिशियरी ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके नया से बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं, जो कि अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ। पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए क्लिक करें, जितने भी अकाउंट से ट्रांसफ़र करनी है यहाँ पर दर्ज करें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन मिलता है 3 प्रकार के, IMPS, NEFT और बैंक ट्रांसफ़र, जो कि ऑटो वाला, जो कि आपको एप्लीकेशन में भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप IMPS कर सकते हैं या फिर NEFT कर सकते हैं, कोई भी चार्ज आपसे नहीं किया जाता है। तो NEFT करने के लिए NEFT वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल में कुछ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर स्लाइड करते हैं तो प्रोसीड टू पे की ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और पासकोड दर्ज करके पे वाले वॉलेट नंबर क्लिक करके आप फाइनली पेमेंट कर पाएंगे और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे कट नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूँ कि जब आप लॉगआउट करते हैं ना और लॉगिन करने जाते हैं, यहाँ पर जब कभी भी आप लॉगिन करने जाते हैं एक और ऑप्शन मिलता है, लॉगिन विद पेटीएम। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर पेटीएम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज करें और पेटीएम का जो पासकोड है वो दर्ज करें, IAM NOT ROBOT पर क्लिक करके उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। जो आपका यूज़र आईडी होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप बनाते हैं वो होता है। आप चाहे तो पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉल करना होता है, 1 प्रेस करना होता है और पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन मिलता है, OTP वेरिफिकेशन लॉगिन और दूसरा पासवर्ड लॉगिन, तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।